दो सीटों से क्यों लड़ना चाहते हैं राहुल गांधी? 2019 के चुनावों में वो होने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी दो सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि राहुल गांधी आखिर अमेठी के अलावा केरल की वायनाड सीट से भी क्यों चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी 2009 का चुनाव 3,70,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन स्मृति ईरानी के खिलाफ उनकी जीत का मार्जिन कम हो गया था। राहुल 1,07,903 वोट से ही चुनाव जीत सके थे। केरल की वायनाड सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का वोट प्रतिशत देखकर कांग्रेस को अपने अध्यक्ष के लिए ये सीट सुरक्षित लग रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अमेठी में हुई रैली में इकट्ठी हुई भीड़ और मेड इन अमेठी के नारे से क्या राहुल गांधी घबरा गए हैं? सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को अमेठी से मिले फीडबैक के बाद ही राहुल की टीम ने दूसरी सीट की तलाश शुरू कर दी थी। कांग्रेस ने रणनीति के तहत अलग अलग राज्यों से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मंगाया। एक और सीट की तलाश की बड़ी वजह ये रही कि स्मृति ईरानी 2014 में चुनाव हारने के बावजूद अमेठी जाती रहीं और सांसद न होते हुए भी वहां पर विकास कार्य करवाए। उम्मीदवार घोषित होने के बाद पहली बार अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी ने बता दिया कि वो अब की बार जीत के लिए तैयार है। जनता विकास चाहती है, एक गरीब माँ के बेटे पर विश्वास कर नरेंद्र मोदी को प्रधान सेवक बनाने का संकल्प भारत की जनता ने लिया। यक्ष प्रश्न यही है कि अमेठी की जनता ने इस बार क्या तय किया है। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी दुविधा यह है कि जैसे ही वो राहुल गांधी के अमेठी के अलावा किसी और सीट से लड़ने का ऐलान करेगी, बीजेपी राहुल गांधी को अमेठी में हार के नाम पर घेरेगी। दरअसल 2014 में स्मृति ईरानी को राहुल गांधी करीब 1,00,000 वोटों से हरा पाए थे, लेकिन इस बार उन्हें हार का डर सता रहा है। शायद यही वजह है कि सेफ सीट की तलाश में राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। वजह साफ है, वहां मुस्लिम मतदाता ज्यादा है और जीत सुनिश्चित है। सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर सरकार बनाने का सपना देखने वाले राहुल गांधी को अपने परिवार की परंपरागत सीट पर भरोसा क्यों नहीं रहा? तो सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने राहुल के लिए कांग्रेस की वायनाड सीट को ही क्यों चुना? हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं आज, उससे आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, वायनाड सीट पर हिंदू वोट है लगभग 85% के आसपास, 49%, जबकि मुस्लिम वोटरों का प्रतिशत है 28.65, यानी कि 28.5% के आसपास। ध्यान दीजिएगा, ये राहुल गांधी के लिए सबसे जरूरी वोट है और यहाँ पर ईसाई वोट जो है वो है 21.34%। तो सवाल ये कि कांग्रेस को मुस्लिम वोटों से ही जीत का भरोसा है क्या? आपको बता दें कि 2009 और 2014 में वायनाड में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और वायनाड सीट परिसीमन के बाद यानी 2008 में ही अस्तित्व में आई थी। आपको सुनाते हैं राहुल गांधी के अमेठी के अलावा एक और सीट से चुनाव लड़ने पर अमेठी की जनता क्या सोच रही है। क्या अमेठी की जनता को भी ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी हार के डर से दूसरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? सुनिए। मुस्लिम भी बहुत पिछुआ है, कुछ काम नहीं किया यहाँ, कोई के साथ नहीं काम किया। जो मुस्लिम के साथ नहीं भवा तो कहूँ कहूँ काम नहीं भवा। यहाँ कोई काम आज तक राहुल गांधी ने नहीं किया, लगातार यहाँ का मुसलमान उनको देते चला आया चल के, लेकिन मुस्लिम को उन्होंने मतलब जो है नजरअंदाज किया है। आज भी अमेठी जहाँ है वहीं खड़ी है अमेठी। बाईपास की पोजीशन देखिए, विकास नहीं हुआ। रेलवे क्रॉसिंग, 3,00,000 लोग रेलवे क्रॉसिंग से रोज गुजरते हैं। कितने मरीज मर गए, बच्चे एग्जाम छूट जाते हैं। आप देखिए दिन की दिन समस्या बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी भी उतना काम नहीं किए जितना राहुल गांधी से उम्मीद थी। तो इसलिए हम पूछ रहे हैं हार के डर से।